हेलो गाइज, राम राम सभी को। तो आज मैं निकल चुका हूँ अपना बैंक में जाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए। आज 8:30 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी, और अभी जो टाइम हुआ है 8:10 हो चुके हैं। अभी बस है एक, तो उसमें जाऊँगा। यहाँ से 10 नंबर जाएगी, तो मैं उससे मतलब कि 5-10 मिनट लेट हो जाऊँगा। मतलब कि मैं पहुँचूँगा 8:37 तक पहुंचूंगा मैं वहाँ पे। बाकी आज मौसम जो हो रहा है ठंड हो रखी है, क्योंकि थोड़ी सी धुंध भी हो रखी है, हल्का फुल्का। वैसे मेरे पीछे दिख ही रहा होगा आपको, हल्की हल्की धुंध हो रखी है आज। बाकी क्या पता नहीं है, सुबह सुबह निकलो आज इसलिए लग रहा है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ पैदल, तो मैं मिलता हूँ आपको स्टॉप पे, यहाँ से बच जाएगी। मैं पहुंच के मिलूंगा आपको, मैं बताता हूँ क्या क्या रहेगा आज। मैं खुलेगा नहीं खुलेगा, क्योंकि 3-4 बार जा चुका हूँ, बट अभी आगे आगे डेट मिल रही है, बट आज प्रॉपर अपॉइंटमेंट मिली थी, तो देखते हैं क्या रहेगा। तो बताता हूँ आपको। तो भाई मैं ना बस में ना जाके कमोई में जा रहा हूँ, क्योंकि बस का जो टाइमिंग है वो लेट हो चुका है। वो मतलब कि बस लेट आ रही है किसी कारण से, क्योंकि यहाँ बीच में एक रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, तो इस चक्कर में। और मैं अभी जा रहा हूँ, फिर पैदल पैदल मैं वहाँ से निकल गया था बस स्टॉप से अपना कम्बोई की तरफ। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा कम्बोई स्टेशन में पहुँच के। मतलब जैसे मैं डेली जा रहा हूँ कम्बोई पर, जैसे पहले जाता था वैसे जा रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपको वहीं पहुँच। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना कम्बोई स्टेशन पे, अपने पीछे ही है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अंदर बैठ के, कम्बोई गार्ड में बैठ के, और देखते हैं फिर क्या रहेगा, वहाँ पहुँच के मिलेंगे आपको। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ अपना कम्बोई में से, क्योंकि मैं कम्बोई में आ गया था, आपको बताया था। और पीछे धुंध देख लो आप कितनी हो रही है, जैसे अपने इंडिया में होती है वैसे धुंध हो रही है प्रॉपर। आज पता नहीं आज जो रही है, बाकी मुझे दिख भी आज ही रही है, क्योंकि कल भी अप्रोक्सीमेट इस टाइम में उठ चुका था, लेकिन घर के बाहर जब मैंने देखा तो धूप निकली हुई थी, बट आज धुंध हो रखी है। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से पैदल, तो मैं मिलता हूँ आपको अपना बैंक में पहुँच कर। तो बने रहना वीडियो में, दिखाता हूँ आपको, देखते हैं आज क्या रहेगा, मे भी खुल जाए आज। बाकी लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि कम्बोई भी लेट होगी और बस भी लेट ही थी। पता नहीं इनका क्या हो गया अभी ना, मतलब ठंड में ना इनका थोड़ा जो टाइम का शेड्यूल है वो चेंज हो गया या क्या है, बट ऑनलाइन नहीं हुआ, तो मैं ऑनलाइन ही देखता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, अब 2-3 दिन ऐसे घूम फिर के पता लगेगा क्या टाइमिंग का, कि किस टाइम आती है बसें और ट्रेन कम्बोई। तो अब मिलते हैं आपको बैंक में पहुँचने के बाद अंदर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपना नोवो बैंको के पास, सामने ही है। बाकी धूंध भी बहुत हो रखी है, तो मैं मिलता हूँ आपको अंदर जाके, देखते हैं क्या रहेगा। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बैंक के अंदर, और जो मेरा बैंक अकाउंट खोल रहे हैं वो ना अभी डॉक्यूमेंट निकालने नहीं हुआ, मैंने उनको मेल प्रेजेंट कर दिया है। बाकी ये पड़े मेरा कार्ड और ये इसमें मेरा पिन। चलो करते हैं उनकी फेट। तो फिर सिस्टम में कर रहे हैं उनकी वेट, वो जो मेरा अकाउंट खोलने जा रहे हैं वो गए हमें डॉक्यूमेंट निकालने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्योंकि जो कुछ डॉक्यूमेंट में वो मेरे मेल पे पड़े थे, तो मैंने वो भेजे उनको, तो निकालने गए हुए हैं। तो अभी जब आते हैं फिर खुलवाते हैं अकाउंट, बाकी आधा काम हो चुका है, बस उनको डॉक्यूमेंट जो है उनका एक बार प्रिंट अपने फ़ोन में क्लिक करके उसको अपलोड करना है, मतलब लाइव के तौर पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस फाइनली अकाउंट खुल ही गया है आज। उन्होंने फिलहाल मेरे को एक कार्ड दिया है, जिसके अंदर मतलब कोड्स हैं, कहीं जैसे सिक्योरिटी कोड होते हैं कि कहीं मतलब कोई मतलब कि कोई जैसे अनदर पर्सन कोई कॉल मतलब कि पेमेंट ना कर सके किसी भी कारण से, ठीक है। जैसे आजकल फेक बहुत होते हैं,
तो विदाउट उन सिक्योरिटी कोड के पेमेंट नहीं कट पाएगी, पोस्ट कार्ड पे ही है। बाकी जो एटीएम कार्ड है वो 8 दिनों तक एड्रेस पे आ जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर, तो घर जाकर आपको दिखाता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए उन्होंने आराम से बैठ के। तो मिलता हूँ आपको घर पे। तो गाइस मैं ना बस के बजाय कम्बोई में जा रहा हूँ, क्योंकि बस तो का टाइमिंग उसका अभी पता नहीं क्या एकदम से चेंज हो गया। ऑनलाइन में चेक कर रहा था, पहले दिखा से जाएगी तो, लेकिन टाइम ज़्यादा ऊपर हो गया, 3 मिनट ऊपर हो चुके थे। तो उसके बाद उसने डिलेड दिखा के अगला टाइम कर दिया पूरे 20 मिनट बाद। तो इसलिए मैं निकल चुका हूँ अपना कम्बोई की तरफ। तो अभी मैं जाऊँगा कम्बोई में। आपकी धूंध अभी भी नहीं उतरी, 11:30 हो चुके हैं, अभी तक धूंध चढ़ी हुई है सिर पे, मतलब बाकी नीचे मैंने टी शर्ट डाली हुई है, इतनी ठंड नहीं लग रही क्योंकि बस धूंध धूंध है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में कम्बोई स्टेशन में पहुँचने के बाद। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना कम्बोई स्टेशन पे। तो बाकी मौसम तो आप देख ही रहे हो, धूंध कितनी हो रही है फिलहाल भी ना। तो चलो मिलते हैं आपको अपना अब घर पे जाते हुए टाइम, मतलब कम्बोई में बैठ के दिखाते हैं आपको सफ़र, फिर उसके बाद घर पे, और फिर जो भी रहेगा फिर दिखाएंगे आपको। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ कम्बोई से और अब मैं जा रहा हूँ अपना घर की तरफ। तो घर पे जाकर कुछ खा भी लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, कुछ नहीं खा पी के निकले, सिर्फ पानी पिया था। और अब मैं जा रहा हूँ घर पे कुछ खा पी के, फिर देखते हैं फ्रेंड्स वोस भी जाना है, उसमें भी आज अपना एड्रेस वगैरह वो सही करवा लेते हैं। तो मिलते हैं आपको घर पर अब। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ घर पर, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ उन्होंने मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया है फिलहाल। फिलहाल उन्होंने मुझे दिया है ये डॉक्यूमेंट, इसके अंदर मतलब कि मेरा कोड वगैरह है एटीएम का। तो अभी एटीएम आएगा, एटीएम अभी आया नहीं है, एटीएम का कोड है इसमें, एटीएम आएगा 8 दिन तक। बाकी दिया है मुझे ये कार्ड, बाकी इसके पीछे कुछ सिक्योरिटीज हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके वही सब कुछ है। तो और ये मेरी बैंक डिटेल, अगर किसी ने पैसे पूछ डालने हो तो वो मुझे इस अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको, देखते हैं कुछ खा भी लेते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने आज देख लिया था कि मैं सुबह बैंक अकाउंट खुलवाने गया था, तो अकाउंट खुल भी गया, बट आने के बाद क्योंकि मैं सुबह कुछ खा के भी नहीं गया था, तो आने के बाद मुझे भूख ही बहुत लग रही थी। तो खाना खुना खाने के बाद अचानक से मैं थोड़ी देर बेड पे बैठा, तो उसके बाद अचानक से बस मुझे नींद सी आने लगी, तबीयत डाउन के कारण क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मैं सो गया था, तो सो के बस मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा था, तो उठ के अचानक से मतलब तो टाइम भी हो रहा था, बस मैं लेट उठा था। तो अभी बज चुके हैं 11, मतलब 9:30 बज गए थे जब मैं उठा। तो उठ के जब मैं देखा भाई खाना बना रहे थे, तो मैं कि भाई तो मेरी है खाना बनाने की, तो रोटी बनाने की, तो रोटी फिर मैं ही बना रहा था, तो मैंने कहा तो मैंने रोटी बनाई। तो फिर उसके बाद अभी खाना खुना खा पी के बस अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ, और अभी बस सोने की तैयारी है। बस अभी मैं अपनी एक जो वीडियो है अपनी वीडियो को इसको एडिट करके फिर इसकी वीडियो डालनी है। तो मिलते हैं अब कल, तो क्योंकि कल देखते हैं हमने कल जाएंगे फाइनेंस ऑफिस, जहाँ हमने जाना था, तो भाई को लेके जाऊंगा उसको। तो मिलते हैं अब कल। तो आज के लिए अपना इतना था, तो
आज के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड राम राम, जय श्री राम। बाकी जो भी मेरे भाई बंधु अपने देश विदेश से अपनी ये अपने भाई की वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। बाकी जो सब्सक्राइब वगैरह तो आप कर ही दोगे, तो आपने इतनी वीडियो देखी तो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।